गौरव की बात है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री भगवताचार्य स्वामी आधार चैतन्य जी उपस्थित हैं। मैं हमारे मैनेजर सर व प्रिंसिपल सर से निवेदन करना चाहूंगी कि वे स्वामी जी को पटका धारण कर उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। स्वामी जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वचन प्रदान करें। अध्यापक गण, प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, सबको हमारी तरफ से अभिवादन है। प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है कि विद्यावान भव, तुम लोग सब विद्वान बनो। शास्त्रों में आया है, काम पिछारी कीजिए पहले दीजा नाम, बिना प्रभु के नाम के बने न कोई काम। तुम वेद मंत्र से आह्वान करता हूं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्यासुभा, ओम शांति शांति शांति। बच्चों, स्कूलों में कॉलेजों में हमारे कार्यक्रम होते ही रहते हैं और मुझे विद्यार्थी जीवन से बड़ा प्रेम रहा और आज भी हम विद्यार्थियों से बहुत स्नेह करते हैं। कथा हमारी लेख लाइब्रेरी के पास में चल रही थी, जब यहाँ मेरे नाती पढ़ते हैं तो मैंने कहा जरा स्कूल को हम नजदीक से देखें और हम आप लोगों को देखने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे तुमसे प्रेम क्यों है न पता, तुम में कौन सा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, गोखले, गोविंद सनाडे हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर एक प्रतिभा होती है, जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं देश के लिए क्रांतिकारी बनते हैं वो, और हमारे देश को आज क्रांति की आवश्यकता है। जर जर काया को कल काया कल्प की आवश्यकता है। आर्थिक अन्याय की चक्की में फिसे गरीबों की हड्डियों की चरमराहट आने वाली पीढ़ी के दिल में गूंजेगी तो वो देश को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान करेंगे, क्योंकि हमारा देश सारे देशों में से एक अलग देश है। जब देश के बराबर कोई देश नहीं है। बच्चों, हमारे देश के लोग भारत माता कहते हैं, कोई रूस माता नहीं कहता, इंग्लैंड माता नहीं कहता, अमेरिका, ईरान, इराक माता नहीं कहता, हमारे देश के लोग भारत माता कहते हैं। और यहीं के नहीं, विदेश के भी कहते हैं, क्योंकि भारत वो ऐसा देश है जिसमें हिमालय आसमां को चूमता है,